गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास हमने परसेंटेज प्योरिटी फिनिश कर लिया था, सॉरी परसेंटेज प्योरिटी की फिनिशिंग पॉइंट पे थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हो गई थी, जिसमें हमने कहा था कि आज हम इसको फिनिश नहीं कर सकते। रीजन बहुत ही क्लियर था कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 54 मिनट्स के अराउंड का वीडियो बन चुका था। तो देखिए, आज हम परसेंटेज प्योरिटी ही पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छा टॉपिक है और आसान भी टॉपिक है। चलिए देखते हैं परसेंटेज प्योरिटी क्या होती है। पहले ये चीज़ समझ लीजिए, मान लेते हैं मेरे पास कोई एक मिक्सचर है, इसका मतलब इसमें प्योर चीज़ें भी होंगी, प्योर सब्सटेंस भी होगा और इम्प्योर सब्सटेंस भी होगा, जाहिर सी बात है। हाँ, जब प्योर और इम्प्योर सब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। मान लीजिए ये इम्प्योर सब्सटेंस कितना है, 200 ग्राम, यानी कि मिक्सचर का पूरा मास आपको दिया है 200 ग्राम, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि जो प्योर सब्सटेंस है उसका मास है 160 ग्राम। तो पूछ रहे होते हैं इसमें प्योरिटी कितनी परसेंट है, हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू प्योरिटी पूछ रहा है तो प्योरिटी वाला मास कितना, 160 ग्राम डिवाइडेड बाई किसका मास लेते हैं, इम्प्योर का या टोटल। हाँ, टोटल यानी मिक्सचर का मास कितना, 200 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 25 या 10, 16 या 80, आपको परसेंटेज प्योरिटी कितनी मिल जाएगी, 80%। यानी कि ये मिक्सचर में प्योर सब्सटेंस कितने हैं, 80%। आप बता सकते हैं इम्प्योर सब्सटेंस कितने होंगे, सिंपल है, 20% कर सकते हैं ना। तो चलिए, आज का हमारा यही टॉपिक है, हम थोड़ी सी मैथ्स यूज करेंगे, उतनी बेसिक मैथ सबको आती है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो मिक्सचर होता है उसमें प्योर और इम्प्योर सब होते हैं, ये दो चीज़ से बनता है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस है। आपको कैसे पता चलेगा कौन इसमें प्योर है कौन इम्प्योर है, तो आपको क्वेश्चन में डिफाइन करके देगा, एक बात। दूसरी बात, आपसे कहा जाएगा कि रिएक्शन में इतना ग्राम, मान लीजिए आपके पास कोई मिक्सचर है, वो मिक्सचर का मास दिया आपको 200 ग्राम। मिक्सचर कहने का मतलब क्या, ये प्योर है या इम्प्योर। हाँ, एक्चुअली ये दोनों का मिक्सचर, इसमें प्योर भी होगा और इम्प्योर। और अगर आपसे कह दे कि 200 ग्राम आपके पास मिक्सचर है, इसका हमने रिएक्शन कराया, लेकिन रिएक्शन में सिर्फ आपके 160 ग्राम ही पार्टिसिपेट किया, रिएक्शन में सिर्फ आपके 160 ग्राम ही पार्टिसिपेट किया, तो बताइए कि इसकी प्योरिटी में कितना प्योर होगा। तो आप हमें ये बताइए, 200 ग्राम में अगर 160 ग्राम पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में, तो इतना ही प्योर होगा। अगर हम साफ शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि अगर आप मिक्सचर का रिएक्शन कराते हैं तो उस पूरे रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ प्योर सब्सटेंस ही रिएक्ट करेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस बिल्कुल रिएक्शन शो नहीं करेंगे। ये बात समझ में आई आपको, सही है। चलिए, तो देखिए फॉर्मूला क्या बना लेंगे हम, परसेंटेज प्योरिटी का मास ऑफ, क्योंकि हम प्योरिटी निकाल रहे हैं तो प्योर सब्सटेंस अपॉन टोटल मास ऑफ द मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाय 100। वैसे ही अगर आपसे परसेंटेज इम्प्योरिटी का कोई फॉर्मूला पूछ ले, किसका, परसेंटेज इम्प्योरिटी, प्योरिटी नहीं, परसेंटेज इम्प्योरिटी। तो देखिए, यहाँ प्योरिटी था तो प्योर सब्सटेंस लिया आपने, अगर यहाँ इम्प्योरिटी का मास का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाई 100। ये आपको लिखना नहीं है, ये कभी आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ कभी कभार आपके माइंड में आ जाता है, इसलिए बता दें। क्यों नहीं पूछता, क्योंकि देखिए अगर आपने परसेंटेज प्योरिटी निकाल लिया है तो परसेंटेज इम्प्योरिटी तो आप ऐसे ही बता सकते हैं। मान लेते हैं किसी मिक्सचर का परसेंटेज प्योरिटी 90% आया, कितना, 90%, तब बताइए वो कितना परसेंट इम्प्योर होगा, 10%। कैसे पता चला, क्योंकि मिक्सचर तो 100% है, अगर उसमें 90% प्योर है तो 10% इम्प्योर हो गया होगा, क्लियर है, कर सकते हैं। तो चले, इसीलिए हम परसेंटेज इम्प्योरिटी के लिए ना फॉर्मूला डिफाइन करते हैं ना कभी याद करने की ज़रूरत, समझते हैं हम। चलिए आगे, ये बहुत काम की नोट पॉइंट है जो आपको याद होनी चाहिए, याद होनी क्या चाहिए, अभी दो क्वेश्चन के बाद आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी।
क्या ये जनरली, यानी कि अब हम आपके सिलेबस अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमारे जितने भी रिएक्शन होंगे, अगर उस रिएक्शन में मैंने मिक्सचर डाल दिया, मिक्सचर यानी कि प्योर और इम्प्योर दोनों सब्सटेंस डाल दिए, तो रिएक्शन में सिर्फ व सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करेगा? हाँ, प्योर सब्सटेंस पार्टिसिपेट करेंगे, ओनली प्योर सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। समझ आ रहा है? कर सकते हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन हीटिंग 250 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वी गेट 112 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, यानी कि आपके पास एक मिक्सचर है, वो मिक्सचर कितना है? 250 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। चलिए इसको लिख लेते हैं, आपका कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर है, ये मिक्सचर है कितना? 250 ग्राम। आप हमें ये बताइए, अगर ये मिक्सचर है तो क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा या फिर कुछ इंप्योरिटी भी होंगी? बिल्कुल होंगी, मिक्सचर तभी बना ना जब प्योर और इम्प्योर सब मिक्स हो गए। अगर सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट होता तब तो प्योर हो जाता, यानी कि इसी के अंदर इम्प्योरिटी है, वही हमें कैलकुलेट करना है। वो कह रहा है कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो आपको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कह रहे ये आपको मिला 112 ग्राम, कितना मिला आपको? 112 ग्राम, और आपने कैल्शियम कार्बोनेट कितना लिया था? 250 ग्राम। आप हमें ये बताइए कि इस 250 ग्राम में कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया होगा? क्या पूरा का पूरा कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया होगा? नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया होगा? क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट सिर्फ इसके प्योर पार्ट किए होंगे। मिक्सचर 250 ग्राम, मिक्सचर में प्योर भी था इम्प्योर भी था, यानी कि जो इसमें इम्प्योरिटी होंगी वो पार्टिसिपेट की नहीं होंगी, यानी कि इसमें इम्प्योरिटी है। आपको पहले चेक करना होगा इम्प्योरिटी किस में है, तो इम्प्योरिटी आपके कैल्शियम कार्बोनेट में है, तो आप इसको छोड़ देंगे, आप इसको इसके बेस से डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये कैल्शियम ऑक्साइड आपका प्योर बना है। हम कैल्शियम ऑक्साइड की हेल्प से कैल्शियम कार्बोनेट को चेक करेंगे और हम पता करेंगे कि 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड के लिए, अगर हमें 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए तो उसके लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये तो हम पहले निकालना सीख भी चुके हैं। अगर हमें प्रोडक्ट मालूम हो और कह दिया जाए कि रिएक्टेंट कितना चाहिए, हम निकाल सकते हैं। हमने क्या किया था, पहले इसका मोल्स निकालते थे, फिर स्टोइकोमेट्री से देखते थे और कैलकुलेट करते थे। तो आप चाहें तो एक वो तरीका यूज कर सकते हैं, इसको आप पहले मोल्स बना लेंगे, मास दिया है मोल्स बनाना है तो क्या करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है? 56। डिवाइड करेंगे आ जाएगा 2 मोल्स। ठीक है, अब देखिए स्टोइकोमेट्री क्या कर रही है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से आपको 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, या 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड अगर आपको मिल रहा है तब कह सकते हैं कि आपने कितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया होगा? 1 मोल, क्योंकि इसका भी मोल 1, इसका भी मोल 1 कह सकते हैं ना। तो बताइए 2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड कब मिलेगा? जब 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट यूज हुआ होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए रिएक्शन देख के क्या कर सकते हैं, जब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट आपने हीट किया तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिला और 1 ही मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला, क्योंकि हमें कैल्शियम ऑक्साइड का मास वगैरह दिया था। हम इसके साथ डील करेंगे, हम इसके मोल्स निकाल लेंगे, कितना आया? 2 मोल्स। तो देखिए 2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड कब मिलेगा, जब यहाँ पे 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट होगा। आप चाहें तो बैलेंस करके देख लीजिए, यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, वहाँ भी 2 हो जाएगा। पास में आई? चलिए, तो बताइए अगर ये 2 मोल आपको पता चल गया, यहाँ से मास निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बताइए मोल से मास निकालने के लिए क्या करते हैं, हम मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास आता है 100 ग्राम, तो 2 × 100 करेंगे कितना आ गया? 200 ग्राम। अब हमें ये बताइए कि 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए आपको कितना यूज किया गया? 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया गया, यानी कि रिएक्शन में कितना पार्ट किया वह है 200 ग्राम। तो ये प्योर सब्सटेंस कितना हुआ? 200 ग्राम, क्योंकि हमें पता है रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं जो प्योर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 200 ग्राम रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, यानी कि 200 ग्राम क्या था? प्योर था।
तो बता सकते हैं इम्प्योर कितना रहा होगा? टोटल 250 था, इसमें 200 ग्राम प्योर है, तो मास ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस कितना हो गया? हाँ 50 ग्राम। लेकिन हमसे वो थोड़ी पूछा है, हमसे पूछा है परसेंटेज प्योरिटी। फॉर्मूला क्या बताया था हमने? प्योर सब्सटेंस का मास कितना आया? 200 ग्राम डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द मिक्सचर 250 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100%। इसको सॉल्व कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 80% आ जाएगी ना, 25 4 जा एंड हाँ आ जाएगी 80% कर सकते हैं। अच्छा ये तो रहा जो आप पीछे सीख के आए हैं उसके बेस पे आपने करना सीखा, एक और तरीका ऐसा करने का वो भी आप जानते रहिए, वो थोड़ा सा और आसान पड़ेगा आपको। क्या है देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड टू गिव्स अस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अब हम मास के साथ डील करें, किसके साथ? मास के साथ। बताइए अगर ये 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, कैसे पता चला हमें? इसका मोलर मास, देखिए कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, 3 जा 48, सबको ऐड करेंगे तो 100 ग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास बताइए, कैल्शियम का 40 और ऑक्सीजन का 16, यानी कि 56 ग्राम, सही है। तब यहाँ से रिलेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हमें 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा कब? जब हमारे पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा। लिख सकते हैं, क्यों हमने इसको रिवर्स करके लिखा है? क्योंकि ये हमारा प्योर है और इसके बेसिस पर हम ये बना रहे हैं, इसमें इम्प्योरिटी है ना, इसलिए हम इसको यहाँ लिखे हैं। लिख सकते हैं, तो बताइए 1 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड के लिए हम क्या करेंगे? इस 56 उधर लेके जाएंगे, ये क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 100 अपॉन 56 ग्राम। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? आप हमें ये बताइए, आपके क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड कितना बन रहा है? 112 ग्राम। आप चाहें तो क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिए, देखिए 112 ग्राम बन रहा है, तो हम रिएक्शन के हिसाब से देख लेंगे, रिएक्शन में 112 ग्राम ऑक्साइड बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, तो लिखेंगे 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू, बताइए मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 56 इंटू 112 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए 56 इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे कितना आ जाएगा? 200 ग्राम। यानी कि हम यहाँ से ये पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन में 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड के लिए हमें 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की ज़रूरत पड़ी होगी, कितने की? 200 कैल्शियम कार्बोनेट की, यानी कि रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ 200 ग्राम ही पार्टिसिपेट किया था, यानी कि प्योर सब्सटेंस यही है, जितना रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वही मास क्या होता है? प्योर होता है। तो बताइए परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला, प्योर सब्सटेंस का मास यानी कि 200 अपॉन टोटल मास ऑफ द मिक्सचर 200, 50 ग्राम दिया हुआ है आपको, मल्टीप्लाइड बाई 100, सॉल्व कर देंगे ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 80% आ जाएगी। चाहे आप मोल्स के साथ डील करिए, चाहे आप मास के साथ, हम यहाँ पर मास के साथ डील्स करने के लिए प्रीफर करेंगे, रीजन आसानी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। हम देखिए मास को मोल्स बनाएं, फिर मोल्स से मोल्स कैलकुलेट करेंगे, फिर मोल्स को मास बनाएंगे, तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो गया ना, उससे बढ़िया डायरेक्ट हम मास और मास का रिलेशन लिख लें और वहाँ से कैलकुलेट कर लें। लेकिन अगर आप चाहें तो मोल से भी कर सकते हैं, हमने करके आपको दिखाया भी, आंसर वही आएगा, दोनों ही केस में 80% ही परसेंटेज प्योरिटी आएगी। आप चाहें तो चेक कर लें, ये इसका सॉल्यूशन है, ये मोल्स मेथड से किया गया है और ये वैल्यू देखिए कितनी आई, 80%। हमने मास से किया तो भी कितना आया? 80%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे जैसे अभी आप एक दो क्वेश्चंस देखेंगे ना आपको धीरे धीरे आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। तो वो तो थी एक वैरायटी जब हमें परसेंटेज प्योरिटी पूछेगा, दूसरी वैरायटी अब आपको परसेंटेज प्योरिटी दे देगा और उससे आपसे प्रोडक्ट पूछ सकता है। देखिए कैसे पूछेगा, दिया 20 ग्राम सैंपल ऑफ 90% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, यानी आपके पास एक सैंपल है, किसका है? वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का, मास उसका कितना है? 20 ग्राम, ये सैंपल है, सैंपल का मतलब यही क्या हमारा मिक्सचर है, और मिक्सचर का मतलब क्या हुआ?
क्या ये 20 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है? नहीं, इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होंगी, होगी ना। दिया है कि अगर हम 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं जिसका 90% प्योरिटी दिया हुआ है, क्वेश्चन में इसकी प्योरिटी कितना दिया है 90%, तो ठीक है हम यहाँ से प्योर सब्सटेंस का मास निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस कितना परसेंटेज दिया है प्योरिटी 90%, तो लिख देंगे 90% ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर का कितना मास दिया है 20 ग्राम, सॉल्व कर देंगे, चाहे तो आप लिख लीजिए। तो ये परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, एक जीरो से यहाँ कैंसिल, एक जीरो से यहाँ कैंसिल, मल्टीप्लाई करके सब सॉल्व करेंगे, आएगा 18 ग्राम। यानी कि 18 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इसमें प्योर है, और तो बताइए इम्प्योर इसमें कितना होगा 2 ग्राम होगा। खैर बताइए हमारे रिएक्शन में कौन काम आएगा, 20 ग्राम या 18 ग्राम? हाँ 18 ग्राम काम आएगा। क्यों 18 ग्राम काम आएगा? क्योंकि यही प्योर है, और हमें पता है हमारे रिएक्शन में हमेशा कौन काम आता है, प्योर सब्सटेंस ही काम आते हैं। तो देखिए रिएक्शन लिख लिया हम, कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हमें पता है ये कितना है 18 ग्राम है, 18 ग्राम के लिए सॉल्व करना। अब हम देख लें हमसे कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में पूछ रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो हम मास वाले मेथड से करते हैं, वो ज़्यादा सिंपल है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास लिख लीजिए कितना आएगा, कैल्शियम 40, ये सब सॉल्व करेंगे ये आएगा 100, ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास निकालेंगे तो आएगा 56 आएगा ना। देखिए हमें किसको निकालना है, ये निकालना है, तो रिलेशन फिर से लिख लें मास वाला, मोलर मास का, सॉरी मोल्स का ना लिख के हम किसको लिखेंगे, मास का, क्यों, क्योंकि मोल्स वाला लेंदी होगा, मास वाला आसानी से हो जाएगा। रिलेशन बोलिए क्या है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना देगा हमें, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड देगा, देगा या नहीं देगा ना। तो बताइए 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 100 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 56/100 कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ ग्राम यूनिट लगा लेंगे। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितना कैल्शियम कार्बोनेट है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज 18 ग्राम। तो हम लिखेंगे 18 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, बताइए क्या होगा, 56/100 इंटू 18 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। ये पूरा कैलकुलेशन करके आप सॉल्व कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 10.08 ग्राम, कितनी मिल जाएगी 10.08, क्योंकि जब 56 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आता 1008, 1008 को 100 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 10.08 ग्राम। तो बस ये था हमारी सेकेंड वैरायटी, यानी कि आपको परसेंटेज प्योरिटी दे देगा और बोल देगा प्रोडक्ट बताइए कितना बनेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, परसेंटेज प्योरिटी अगर दिया है तो प्योर सब्सटेंस का मास निकालिए, और प्योर सब्सटेंस की ही हेल्प से अपने प्रोडक्ट को आप गेस करेंगे, कर सकते हैं, आसान है, चलिए आंसर मैच कर लेते हैं। देखिए 10.08 ग्राम हमने कहा ना, 56 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा, फिर 100 डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 10.08 ग्राम। चलिए अब आपके लिए कुछ होमवर्क हैं, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो आप इनके चाहे तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो पॉज करके इन सबको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपको दिया हुआ है विथ आंसर, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा, कैलकुलेट द मास ऑफ 80% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल, ठीक है। आपको एक सैंपल दिया गया है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि यही हमारा मिक्सचर है। कितना मास दिया है, मास नहीं दिया है, बस इसकी प्योरिटी दिया है 80%। तो इसका मास हम कितना मान लें, एक्स ग्राम मान लेते हैं, इसकी प्योरिटी कितना दिया है 80%, ठीक है। और देखिए क्या दिया है, विच ऑन हीटिंग गिव्स अस 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हीट करने पर
हीट करने पर हमें 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो पहले हम रिएक्शन लिख ले, कैल्शियम कार्बोनेट इज गोइंग टू गिव अस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये आपको क्वेश्चन में दिया है कितना, 88 ग्राम, ठीक है। और आपको एक चीज़ अच्छी दी हुई है, यानी जो पीछे सीखे थे ना उसका भी इसमें यूज दिया। देखिए क्या दिया है, विथ 75% यील्ड। तो ठीक है, हम उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ दिया 75% यील्ड। तो चलिए फिलहाल हम यील्ड की बात बाद में करेंगे, ठीक है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कितना मिलना चाहिए, क्योंकि जब हम यील्ड यूज करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कितना मिलता है रियल लाइफ में। लेकिन अभी हम पहले डिस्कस करेंगे कितना मिलना चाहिए। तो फिर से वही रिलेशन लिख लीजिए, बताइए कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना आएगा, 100 ग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड का रिलेशन नहीं दिया तो हम इसको छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। इसका मोलर मास कितना आता है, 44 ग्राम। अब आप यहाँ से देख के बताइए कि हमें कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है। हाँ, हमें इसकी हेल्प से ये कैलकुलेट करना है, तो हम रिलेशन ऐसे लिखेंगे, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स अस 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बताइए 1 ग्राम CO2 विल गिव अस 100/44 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास कितना है, 88 ग्राम दिया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फिर, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स अस, इसमें 88 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 100/44 इंटू 88 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए 88 कैंसिल हो जाएगा, आ गया कितना, 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमें ये बताइए, ये जो 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आया है ये प्योर है या इम्प्योर। हाँ, ये क्या है हमारा, प्योर है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये रिएक्शन से मिल रहा है ना, रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ कितने पार्टिसिपेट करते हैं, प्योर। यानी कि हमें 200 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट मिलना चाहिए। अब हम किसके साथ डील करेंगे, परसेंट यील्ड के साथ, याद है। हाँ, कल के लेक्चर में आपसे कहा गया था अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय परसेंट यील्ड, अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना है तो डिवाइड बाय परसेंट यील्ड। आप हमें ये बताइए, ये रिएक्शन आपके सामने है, आप क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रहे हैं। अब क्या करेंगे, डिवाइड बाय परसेंट यील्ड। तो इसको क्या करिए, डिवाइड बाय परसेंट यील्ड कर दीजिए। तो परसेंट यील्ड कितना दिया है, 75% से डिवाइड करिए। इस परसेंटेज को हटाएंगे तो अपॉन 100 वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये सारी वैल्यूज आप सॉल्व कर देंगे तो देखिए 25 4 जा एंड 25 3 जा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 800/3 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये हमें मिलेगा, और ये क्या है हमारा, प्योर है। ये भी रिएक्शन से मिला हमारा, प्योर है। लेकिन हमसे जो पूछ रहा है वो क्या है, देखिए जरा ये आसिंग कैलकुलेट द मास ऑफ 80% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल। हमसे उस सैंपल का मास पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है मास, सैंपल का, यानी कि सैंपल का मास कितना होगा, यानी वो इम्प्योर का मास पूछ रहा है। तो इम्प्योर का मास हमने पहले ही मान रखा है कितना, हाँ चलिए यहाँ पर अब इसको हम इरेज करते हैं, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्स ग्राम हमने मान रखा है। अब देखिए कितना प्योरिटी दिया था, 80%। हम क्या लिखेंगे, 80% ऑफ एक्स ग्राम शुड बी इक्वल टू कितना मास आया हमारा, 800/3। सो दैट शुड बी इक्वल टू 800/3 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 80/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 800/3 हो जाएगा। इसको कैंसिल करिए, देखिए ये हो जाएगा 4/5x, यानी ये हो जाएगा 4x/5 इज इक्वल टू 800 अपॉन
3, फिर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 800 इंटू 5, फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे 800 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए ये हो जाएगा 4000 अपॉन 12, नीचे लेके जाएंगे 12 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 12 3 जा 36, 4 40, फिर 12 3 जा 36, 4 40, 12 3 जा 36, ये वैल्यू इतनी आ जाएगी 333.33 ग्राम। सॉरी ये परसेंटेज यील्ड एक, ओके ओके ओके, आपने एक काम करिए क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, हाँ वो वैल्यू अगर आप चाहें तो करेक्शन करके आप इसको 80% कर लीजिए क्वेश्चन में, ऐसा क्यों करा रहे हैं, ताकि कैलकुलेशन आसान रहेंगे। देखिए अगर आप इसको 80% करेंगे तो बताइए ये कितना हो जाएगा 80%, और यहाँ पे 80% के साथ सॉल्व भी किया गया इसको, तो जब 80% के साथ सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 250 ग्राम। हाँ ये कैलकुलेशन आसान रखने के लिए आप 75% के जगह पे 80% लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ 80% लिखेंगे, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 250 ग्राम। ये क्या है आपका प्योर सब्सटेंस का मास है, तो लिख लेंगे लेट द मास ऑफ इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट बी एक्स ग्राम, ऊपर हमने माना ही था, तो 80% ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू 250 ग्राम, फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो आपके एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 312.5 ग्राम। ध्यान रहे ये आंसर तब आएगा जब परसेंट यील्ड आप कितना लेंगे 80%, अगर आपने परसेंटेज यील्ड 75% ही रखा है तो आपका मास कितना आएगा 333.33 ग्राम। तो आपकी च्वाइस है, आप कैलकुलेशंस को इजी रखने के लिए आप इसको परसेंटेज यील्ड को क्या बोलते हैं, जो पीछे परसेंट यील्ड दिया है उसको कितना बना लेंगे 80%, कर सकते हैं ना। हाँ करेक्शन में क्या रखना है आपको, यहाँ 80% रहेगा, ये सब 80% पे ही किया गया है, और यहाँ क्वेश्चन में भी आप इसको क्या करेंगे 80% करेंगे, कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आप 75% पे करते हैं ठीक है, तो आप मेरी कॉपी पीडीएफ से मत करिएगा क्योंकि उस पर तो 80% का किया गया है, तो आपको जो हमने सॉल्व किया अभी वहाँ से कर लेंगे तो कितना आएगा 333.33 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद ट्राई करेंगे कर सकते हैं। हाँ एकदम सेम टाइप के क्वेश्चन है, इसमें आपको वही चीज़ पूछी गई है, आंसर वगैरह भी निकाल के दिया गया है, बस परसेंटेज यील्ड की वैल्यू चेंज की गई है और प्योरिटी का भी वैल्यू चेंज कर दिया गया है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास 2.2 ग्राम दिया है, तो आप ट्राई करिए आराम से हो जाएगा। चलिए एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम अगले टॉपिक के लिए कुछ आपको टर्म्स देंगे जिसका मीनिंग आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, आप एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा ताकि अगले लेक्चर में आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 90% प्योर सोडियम सल्फेट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 250 ग्राम ऑफ 93.6% प्योर सोडियम क्लोराइड, यानी कि अगर आपके पास 250 ग्राम क्या है सोडियम क्लोराइड है जिसकी प्योरिटी कितनी दी है 93.6%, तो लिख लीजिए आपके पास मिक्सचर है जिसमें सोडियम क्लोराइड है ठीक है, इसका मास भी आपको दिया है 250 ग्राम, इसकी प्योरिटी भी आपको दिया 93.6%, अगर प्योरिटी दिया तो हम यहाँ से मास ऑफ प्योर NaCl निकाल सकते हैं या नहीं, निकाल सकते हैं ना, तो लिख लीजिए मास ऑफ प्योर NaCl कितना आएगा 93.6% ऑफ टोटल मास कितना दिया है देखिए
250 ग्राम। इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा 93.6 अपॉन 100 इंटू 250 ग्राम। जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, 5 जा 25, 5 टू जा 10, ठीक है। फिर 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 468 इंटू 5, 58 जा 40, 56 जा 30, 34, 54 जा 20, 23। फुल सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 234 ग्राम। ये हमारा प्योर NaCl, दिस इज आवर प्योर NaCl जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? चलिए आगे क्या दिया देखिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले सोडियम सल्फेट का मास निकाल लेंगे। किसका मास? सोडियम सल्फेट का, रिएक्शन करा के। वो हम अभी बताते हैं कैसे करना है। आपके क्वेश्चन में जो एग्जैक्ट पूछ रहा है वो सोडियम सल्फेट का मास नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। जो आपके क्वेश्चन में एग्जैक्ट पूछ रहा है वो सोडियम सल्फेट का मास नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि इम्प्योर सोडियम सल्फेट का मास, यानी कि मिक्सचर ऑफ सोडियम सल्फेट का मास पूछ रहा है, जिसमें कि प्यूरिटी कितनी होनी चाहिए, 90% होनी चाहिए। यानी कि पहले तो बताइए हमें रिएक्शन से क्या मिलेगा, प्योर सोडियम सल्फेट मिलेगा या इम्प्योर? जब हम रिएक्शन करा के लेंगे तो वहाँ से तो प्योर ही मिलता है, वो प्योर मिलेगा। उस प्योर की हेल्प से, हाँ उस प्योर की हेल्प से हम इम्प्योर सोडियम सल्फेट का मास निकाल लेंगे, मान लेंगे ये कितना है एक्स ग्राम। फिलहाल अभी इसको बाद में डील करते हैं, अभी रिएक्शन लिखते हैं। ये याद रहेगा कितना है, 234 ग्राम, इसको हम कहीं लिख लेते हैं। चलिए हमारे जो काम का है इसमें NaCl वो है सिर्फ 234 ग्राम, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये कह रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड से आपको मिल रहा है सोडियम सल्फेट, क्या मिल रहा है, सोडियम सल्फेट। रिएक्शन आपको दी नहीं हुई है, रिएक्शन आपको खुद से लिखना होगा। देखिए यहाँ सोडियम है, यहाँ सोडियम है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है, सल्फेट आयन है। आप बताइए कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें सल्फेट आयन होते हैं? हाँ बहुत सारे हैं, सोडियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, बहुत सारे हैं। अब कोई भी ले लीजिए, हमने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, शायद सॉल्यूशन में हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। इस बार हम आपको लेके दिखा देते हैं पोटेशियम सल्फेट, ताकि आपको ये माइंड में ना आए कि यही क्यों। हमने ले लिया पोटेशियम सल्फेट, कितना आएगा, K2SO4। तो भैया ये सोडियम और सल्फेट तो कंबाइन हो गए, बैलेंस कर लेंगे। फिर क्या मिलेगा, पोटेशियम और क्लोरीन, इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। रिएक्शन बैलेंस कर दिया हमने, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ये तो वैसे भी हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इनको लिखना ज़रूरी था। चलिए यहाँ से मोलर मास बताइए, पहले मोलर मास से पहले जो हमें दिया गया वो कितना है, सॉरी 234 ग्राम सोडियम क्लोराइड, यानी कि हम यहाँ लिख लेंगे हमारे क्वेश्चन के लिए, हम 234 ग्राम पे सॉल्व करेंगे। अभी तो हम मोलर मास लिखते हैं, बताइए सोडियम क्लोराइड का मोलर मास कितना आता है, 2, अच्छा ठीक है 2 इंटू NaCl की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, आई थिंक 117 ग्राम आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है ये चीज़, हाँ ये आएगा 58.5, क्लोरीन 35.5 और सोडियम 23, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 58.5, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया गया ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 117 ग्राम लिख सकते हैं। तो बताइए सोडियम सल्फेट कितना मिलेगा, 23 इंटू 2 46, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4 96, तो 96 और 46, ये 64, 32, 96 एंड 46, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 6, 12, 13, 14, यहाँ नहीं ऊपर लिखना है, 142 ग्राम आएगा। तो चलिए मास रिलेशन फटाफट लिख लेते हैं, देखिए हम क्या लिखेंगे, 100 एंड नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं 117 ग्राम NaCl हमें कितना देता है, 242 ग्राम ऑफ Na2SO4 देता है। तो बताइए 1 ग्राम NaCl कितना देगा,
242 अपॉन 117 ग्राम ऑफ Na2SO4 देगा। समझ में आ रहा है? चलिए अभी एक्चुअली हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास कितना है, हाँ 234 ग्राम है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 234 ग्राम NaCl। समय कितना मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 242 अपॉन 117 इंटू 234 ग्राम सोडियम सल्फेट मिल जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, देखिए टू टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, फिर इनके इनको मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 484 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट मिलेगा। ध्यान रहे अगर आपने यहाँ छोड़ दिया तो फिर आपका गेम हो जाएगा। क्यों गेम हो जाएगा? क्योंकि ये क्या है, दिस इज प्योर सोडियम सल्फेट, हमसे प्योर सोडियम सल्फेट थोड़ी पूछ रहा है, वो पूछ रहा है इम्प्योर सोडियम सल्फेट। अच्छा हमें पता कैसे चलेगा कोई इम्प्योर पूछ रहा है कि प्योर? देखिए वो लिखा है यहाँ पर 90% प्योरिटी के साथ होनी चाहिए। 90% प्योरिटी का मतलब पूरा प्योर थोड़ा ही है, पूरा प्योर होता तो कितना होता, 100% प्योर, क्योंकि ये 90% प्योर है यानी कि इसमें इम्प्योरिटी पहले से मिक्स होगी। तो हमने मान लिया इम्प्योर सोडियम सल्फेट का मास कितना है, एक्स ग्राम, ठीक है, उसका अगर 90% हम निकालेंगे तो प्योर के बराबर आएगा। तो लिखिए अभी हमने एक रिलेशन बनाया था ना, फॉर्मूला भी लिखा था हमने, चलिए एक बार और लिख लेते हैं। अगर आपको प्योरिटी मालूम है तो क्या लिखते हैं हम, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, वो सिंपल सा है, प्योरिटी दी हुई है कितनी, 90% ऑफ मास ऑफ द मिक्सचर, कितना दिया है, एक्स ग्राम, लिख लीजिए। तो मास ऑफ प्योर सोडियम सल्फेट आपको पहले से मालूम है कितना आया था, देखिए 484 ग्राम, तो यहाँ लिख लीजिए 484 इज इक्वल टू 90% को आप क्या लिख लीजिए, 90/100 ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लीजिए एक्स, जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए 10 × 484 करेंगे ये हो जाएगा 4840 इज इक्वल टू 9x। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सिर्फ x की, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 4840 को, हाँ 9 से डिवाइड कर देंगे, कर दीजिए, देखिए कितना आएगा, 9 × 5 = 45 3 = 34 है तो 9 × 3 = 27 आएगा ना, तो कितना हो गया 770, सो 9 × 7 = 63, फिर 770 ये रिपीट हो जाएगा, यानी कि इतना ग्राम के आसपास आएगा, कितना 537.7 ग्राम के आसपास हमारा इम्प्योर सोडियम सल्फेट मिलेगा। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है कितना 315। अच्छा मल्टीप्लाई कुछ गड़बड़ कर दिए थे क्या हम, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ 142 ग्राम सोडियम सल्फेट चल रहा है, ये ठीक है 142, ओ सॉरी आप कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा यहाँ पर हमें जो सोडियम सल्फेट का मास है वो कितना मिला है, 142 ग्राम ना, हमने बाय मिस्टेक यहाँ पे क्या लिख दिया है 242 ग्राम, तो आप इसको 142 करके सॉल्व कर लेंगे, ये भी 142 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 284, ठीक है, अगर ये 284 आया तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी 284, तो 2840 ये हो जाएगा 2840, फिर आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 9 × 3 = 27 1414 9 × 1 = 9 550 9 × 5 = हाँ ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी 315.55 ग्राम, कितनी आएगी 315.55 ग्राम। तो आप अपना कैलकुलेशन मिस्टेक था वहाँ पर, आप उसको सही कर लेंगे, कर सकते हैं। तो चलिए बस अब हम आपको कुछ टर्म्स सिखाएंगे जो कि आपको याद रखने हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक में उसका यूज होगा। तो चलिए टर्म्स देखते हैं क्या है, मिक्सचर एनालिसिस में कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए पहला कीवर्ड क्या है, अल्कली मेटल्स कौन होते हैं, हाँ जिनकी आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, बात समझ में आ गई, यानी कि जो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स है, पीरियोडिसिटी हमने पढ़ रखा है ना,
उसमें जो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। और जो सेकेंड ग्रुप के मेंबर्स हैं यानी जिनके आउटर मोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स कौन कौन से हो सकते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम हो सकते हैं। अब देखिए दूसरी पॉइंट, ऑल अल्कली मेटल कार्बोनेट्स, मेटल्स नहीं, मेटल के कार्बोनेट्स, यानी कि लिथियम कार्बोनेट हो सकता है अल्कली मेटल, तो लिथियम कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, पोटेशियम कार्बोनेट हो सकता है, रुबिडियम कार्बोनेट हो सकता है, वैसे ही सीजियम कार्बोनेट्स हो सकते हैं। आर थर्मली स्टेबल, यानी कि जब आप उनको हीट करते हैं तो भी वो स्टेबल रहेंगे, यानी कि वो ब्रेक होके अलग अलग नहीं होंगे। यानी कि मान लेते हैं मेरे पास है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3। जब आप इसको हीट करेंगे तो अगर ये स्टेबल हो गया हीट होने के बाद, यानी कि इसकी कैपेसिटी है कि आप हीट करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या ये टूटेगा? नहीं टूटेगा। यानी कि बहुत ज़्यादा भी हीट कर देंगे तो ये सॉलिड से क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये मेल्ट हो जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं भाई साहब, टूटेगा नहीं। मतलब होते ना कुछ बच्चे हम जिद पकड़ के, भले से हम फेल हो जाएंगे हम पढ़ेंगे नहीं, कुछ ऐसे ही है। जो अल्कली मेटल कार्बोनेट्स हैं, ध्यान रहे अल्कली के मेटल कार्बोनेट्स, वो एकदम थर्मली स्टेबल हैं, आप चाहें जो कर लो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सब भी सोडियम कार्बोनेट हो गया, पोटेशियम कार्बोनेट हो गया, आप इनको चाहे जितना हीट कर लो ये कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होंगे, यानी इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है। एक बात, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, कौन है वो? लिथियम कार्बोनेट Li2CO3। अगर आपने इसको ज़्यादा हीट कर दिया तो भाई साहब ये तो टूट जाएंगे। यानी कि ख़राब बच्चों भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा डर होता है, वो ज़्यादा डरा दो तो वापस आते पढ़ाई ही शुरू कर देते हैं, ये कुछ वैसे ही है। देखिए इसमें क्या होगा, ये टूट के हमें क्या देगा, हाँ लिथियम ऑक्साइड प्लस और क्या देगा वो हमें, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। देखिए इनका डिकम्पोजिशन हो गया तो लिथियम कार्बोनेट, ये भी अल्कली मेटल कार्बोनेट है, ये क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन बाकी अदर डिकम्पोज नहीं होते हैं, सही है। तो ये एक छोटा सा एक्सेप्शन है, आपको माइंड में रखना है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है एक्सेप्शन, लिथियम कार्बोनेट ये सॉलिड ही, जब आप इसको हीट करेंगे तो लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास सोडियम कार्बोनेट होता या पोटेशियम कार्बोनेट होता तो आप चाहें जितनी मेहनत कर लीजिए वो मेल्ट हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड बदल सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको ऑक्साइड ये नहीं देंगे। यानी कि ऐसे सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपको कभी नहीं मिलेगा, या पोटेशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वो आपको कभी भी नहीं देंगे। रीजन, हाँ वो खुद को इतना कैपेसिटी बना रखे, आप चाहें जितना हीट करो हम टूटेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट है सम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लाइक, हाँ अल्कलाइन यानी कि जो कि ग्रुप सेकेंड के मेंबर्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम। हाँ देखिए, तो जैसे कि बेरिलियम कार्बोनेट, इसमें भी हम तीन की बात करेंगे सिर्फ, बाकी हैं जो ब्रेकडाउन होते नहीं हैं, लेकिन हाँ ये तीन होते हैं। देखिए क्या उन्हें, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट आर नॉट थर्मली स्टेबल, ध्यान रहे आर नॉट थर्मली स्टेबल, यानी कि जिद्दी टाइप इंसान नहीं है, जहां आपने डरा दिया ये वापस अपना रास्ता चेंज कर लेंगे। समझ में आई मेरी बात? यानी कि अगर आप बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट में किसी को भी हीट करेंगे तो आपको उसका ऑक्साइड मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट का तो लिखते लिखते आपको याद हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट का अगर आप हीट करेंगे तो आपको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसी तरह अगर आप बेरिलियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बेरिलियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सही है, बात समझ में आ रही है? तो चलिए, अच्छा हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, रिएक्शन लिखने के लिए। हाँ आपको रिएक्शन लिखने आना चाहिए थोड़ा थोड़ा ना, तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ अभी आपको जितना ज़रूरत है हम आपको उतना बताते चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑन हीटिंग मेटल बाई कार्बोनेट्स वी ऑलवेज गेट मेटल कार्बोनेट्स, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ अब ध्यान रहे, हमने यहाँ पर ना ही अल्कली लिखा है ना ही अल्कलाइन लिखा है, इसका मतलब कोई भी मेटल कार्बोनेट्स हों
मेटल के सॉरी बाइकार्बोनेट्स हो, कोई भी मेटल के बाइकार्बोनेट्स हो, उनको जब भी आप हीट करेंगे, हाँ वो हमेशा क्या देंगे आपको, मेटल का कार्बोनेट देंगे प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और वाटर वेपर देंगे। देखिए कैसे, ले लेते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और बाइकार्बोनेट भी, टेंथ में आपने पढ़ रखा है। तो देखिए जब आप इसको हीट करेंगे तो हमारे माइंड में क्या था, हम इसको सोडियम ऑक्साइड बना देते हैं, नहीं आपको सिर्फ मेटल कार्बोनेट बनाना है, यानी कि सोडियम का कार्बोनेट बनाएंगे आप, Na2CO3 प्लस H2O, वो भी किस फॉर्म में मिलेगा आपको, वेपर फॉर्म यानी कि गैसेस स्टेट में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वो भी गैस फॉर्म में, ये हमारा होगा सॉलिड फॉर्म में और ये भी होता है हमारा सॉलिड फॉर्म में। बात समझ आई, कर सकते हैं। तो कोई भी हो, ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको दे दिया गया है, ले लीजिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो ये हो जाएगा MgHCO3 ट्वाइस, ठीक है, क्योंकि बाइकार्बोनेट पे सिंगल माइनस वन का चार्ज होता है, मैग्नीशियम में प्लस टू का, तो बैलेंस करके लिखने के लिए ऐसे लिखा जाता है। तो आपको क्या मिलेगा, हाँ मैग्नीशियम का कार्बोनेट मिलेगा MgCO3 प्लस, और क्या मिलेगा बताइए, वाटर किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, प्लस क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंसिंग आप अपने हिसाब से देख लेंगे, ठीक है, बैलेंस है तो अच्छा, नहीं है तो आप बैलेंसिंग कर लेंगे, यहाँ तक समझ में आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी कि CaHCO3 ट्वाइस, जब आप इसको हीट करते हैं तो एक्चुअली आपको मिलता क्या है, वो है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O इन द गैस स्टेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन ये जैसे ही आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है ये तुरंत ब्रेक डाउन हो जाता है और हमें क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कई बार लोग कहते हैं कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट इस रूल को फॉलो नहीं करता, वो डायरेक्ट कैल्शियम ऑक्साइड यानी वो मेटल का ऑक्साइड देता है, वो मेटल कार्बोनेट नहीं देता, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। मेटल में चाहे वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट ही क्यों ना हो, वो भी आपको कैल्शियम कार्बोनेट देता है। हाँ ये बात और है कि वो जैसे ही मेटल कार्बोनेट बनाता है तुरंत ही, क्योंकि वो अनस्टेबल होने की वजह से तुरंत ही फिर से वो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में फिर से ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, वो यहाँ से यहाँ जाता है और फिर यहाँ से यहाँ आता, वो इतना फास्ट होता है कि लोग समझ नहीं पाते, वो डायरेक्ट कहते हैं यहाँ से यहाँ आ गया, ऐसा नहीं है, वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ जाएगा फिर यहाँ से यहाँ आ जाता है, सही है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने ही होंगे। और देखिए नेक्स्ट, एनी लॉस इन मास ड्यूरिंग अ रिएक्शन, कई बार आपको आपके रिएक्शन में मास का लॉस दिखेगा, यानी कि मान लीजिए आपने 10 ग्राम रिएक्शन कराया, मान लीजिए आपके पास क्या था, मैग्नीशियम कार्बोनेट था, ठीक है, कितना था 10 ग्राम, आपने इसको हीट करना शुरू किया, तो हीट करने के बाद आपको कई बार ऐसा मिलेगा कि यहाँ पर 10 ग्राम से वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। अब वो एग्जैक्ट कितना आएगा वो तो एक्सपेरिमेंटल दिया रहता आपको, छोटी आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, वो कहाँ गया मास, हाँ याद आया, हाँ चेंज भी चला जाता है सब कुछ। अभी देखिए जब आप इसको हीट करेंगे तो ये क्या अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये टूट के क्या देता हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड और क्या देता हमें, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, क्योंकि जब आप हीट कर रहे होंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को गैस जैसे ही बनेगा वो यहाँ रुकेगा कि ऊपर उड़ जाएगा, गैस है ना वो तो बाहर निकल गया, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा फिर आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड बचेगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड तो सॉलिड होता है, ये थोड़ी उड़ेगा, हाँ पता चला आप इसको भी उड़ा दिए, ये नहीं उड़ेगा, सही है। तो अब देखिए यहाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट था इसलिए वो 10 ग्राम था, यहाँ तो सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड बचा ना, तो क्या इसका भी मास 10 ग्राम होगा, कभी नहीं, मास क्यों कम हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकल जाने की वजह से, यानी कि बहुत सारे रिएक्शंस में आपका मास में लॉस देखने को मिलेगा, इन जनरल ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है, हाँ गैसेस के निकलने की वजह से होता है। अच्छा अगर आप इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, यानी हीट करना शुरू किया और मेजर भी कर रहे हैं, तो वैल्यू लगातार धीरे धीरे कम होती रहेगी, यानी पहले 10 ग्राम फिर 9.9 फिर 9.8 9.7 9.6 ऐसे वैल्यू डिक्रीज होगी, होते होते एक टाइम आएगा उसके बाद ये वैल्यू क्या होती है, कॉन्स्टेंट हो जाएगी,
यानी आप उसके बाद चाहे जितना हीट कर दो, मजाल जो वो और कम हो, उसका मास फिर कांस्टेंट यानी फिक्स हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? सिंपल है, जब आप हीट कर रहे थे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही थी, होते होते जितने कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी सब तो खत्म हो गई, तो क्या बचा? अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बचा होगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप फिर हीट कर रहे हैं तो क्या वो भी गैस बनेगा? नहीं बनेगा ना, इसलिए वहाँ पे मास हमारा क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है। और देखिए जो आपको सॉलिड फॉर्म में बच जाता है, अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड बचा था हमारे इस एग्जांपल में, तो इसको हम बोलते हैं रेसिड्यू। क्या बोलते हैं? रेसिड्यू बोलते हैं। हाँ, इसका एक और प्रोनाउंसिएशन है रेसिड्यू, ठीक है, वो बिल्कुल सही है। आप इन जनरल रेसिड्यू बोल सकते हैं, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है रेसिड्यू। आप जो सही लगे आप वो बोल सकते हैं, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। एक बात और, हमारे प्रोडक्ट में जितने भी सॉलिड के टर्म्स मिलेंगे, यानी प्रोडक्ट बनेंगे रिएक्टेंट और रिएक्शन पूरा कंप्लीट होने के बाद जो भी प्रोडक्ट फॉर्म में मिलेगा वो सब क्या होता है? रेसिड्यू होता है। तो देखिए रेसिड्यू क्या है? रेसिड्यू इज द सॉलिड लेफ्ट इन द कंटेनर आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन के बाद जो भी सॉलिड आपके कंटेनर में बच गए उनको हम क्या कहते हैं? रेसिड्यू कहते हैं। सही है। चलिए एक छोटा सा और एग्जांपल करा देते हैं, अभी 4 मिनट का टाइम है। देखिए अभी हमने एग्जांपल में क्या लिया था? मैग्नीशियम कार्बोनेट ना। अब मान लीजिए मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट किया गया, ये कंटेनर बना लीजिए यहाँ से हम हीट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो उड़ गया, खैर छोड़ दिए, ये क्या हमारा? रेसिड्यू है। अब मान लीजिए इसी मैग्नीशियम कार्बोनेट में हमने सोडियम कार्बोनेट भी मिक्स कर दिया, तो बताइए यहाँ क्या मिलेगा प्रोडक्ट में? हाँ, आप सोच रहे हैं सर हमें कैसे पता चला क्या मिलेगा? बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखिए, ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये बताइए अल्कली है ना, सोडियम अल्कली मेटल्स हैं। अभी हमने पढ़ा था सेकेंड पॉइंट, जितने भी अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं वो हीट करने पे कभी भी डिकम्पोज नहीं होते हैं, यानी आप चाहे जितना हीट कर लो वो वैसे ही रहेगा, यानी कि आपके प्रोडक्ट साइड में Na2CO3 ऐसे ही मिलेगा। बात समझ आ रही है? तो बताइए इस केस में रेसिड्यू कौन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड या सोडियम कार्बोनेट? हाँ, इस केस में ये पूरा रेसिड्यू होगा, यही तो हम बता रहे थे कि रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट में जितना भी प्रोडक्ट आपको मिला है जो सॉलिड फॉर्म में है वो सब के सब क्या होते हैं? रेसिड्यू होते हैं। एक है तो भी रेसिड्यू, दो है तो भी रेसिड्यू, चार होंगे तो भी रेसिड्यू ही होगा वो, यानी जितने भी सॉलिड प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रेसिड्यू कहते हैं। आज इतना ही, बाकी हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बार और ये कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, आगे के टॉपिक में हम इसको यूज करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।